तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्लासिक मोटर्स में। तो आज हमारे सामने ऑल न्यू टाटा अल्ट्रोस ICNG, लेकिन यह है अल्ट्रोस का बिल्कुल बेस वेरिएंट, XC वेरिएंट। फिर भी इसके अंदर आपको आगे की ओर पियानो फिनिशिंग और क्रोम की फिनिशिंग मिल जाती है। भाई बेस वेरिएंट के अंदर भी क्रोम फिनिशिंग देते हैं, क्या ही चाहिए भाई, फिनिशिंग बहुत ही अच्छी। आगे की ओर आपको यहाँ पे हेडलाइट देखने को मिल जाती है हेलोजन के अंदर, बाकी फॉग लाइट वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगा आपको इस गाड़ी के अंदर देखने को। साइड से कुछ इस तरह की दिख जाती है और एलॉय आपको बिल्कुल नहीं मिलेंगे इसके अंदर। बाकी टायर की प्रोफाइल 165/80 14 इंच के टायर आपको देखने को मिल जाएंगे ये वाली कार के अंदर। साइड में यहाँ पे इंडिकेटर्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं, बेस वेरिएंट इसलिए ORM भी कुछ इस तरह से फिनिशिंग मिल जाता है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है 165 mm। हैचबैक गाड़ी है और वैसे भी ये बहुत ही अच्छी गाड़ी है, अगर ऊंचा मॉडल लेंगे तो बिल्कुल अच्छी खासी चीज़ें अंदर मिलेगी। और ये न्यू वेरिएंट है तो इसके अंदर आपको 50 लैक्स कार वाली बेजिंग भी देखने को मिल जाएगी। बूट स्पेस देखते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा है बूट स्पेस देखने की इसकी, तो चलो देखते हैं इसकी बूट स्पेस। तो कुछ इस तरह से आप यहाँ से बिल्कुल कीलेस बूट को ओपन कर सकते हो भाई, कीलेस बूट मिलती है इसके अंदर भी। और बूट बहुत ही अच्छे से मैनेज की है क्योंकि ये है टाटा की ICNG टेक्नोलॉजी, मतलब ड्यूअल सिलेंडर है जो छोटे छोटे है, तो बूट स्पेस मिलेगी। और कितनी अच्छी तरह से इन्होंने रखे हुए 210 लीटर की बूट स्पेस आपको देखने को मिल जाती है CNG गाड़ी के अंदर भी। तो कुछ इस तरह की बूट है, टेल लाइट आपको देखने को मिल जाती है कुछ इस तरह की, कोई नॉर्मल डिज़ाइन के साथ में ही मिलेगी आपको, कोई भी तरह का एंटीना देखने को नहीं मिलता है इस तरफ। और CNG गाड़ी है वो मैंने आपको बता ही दिया है पहले से ही। तो चलो अब बात कर लेते हैं इसके इंजन वगैरह की। तो ये वेरियंट के अंदर 1.2 लीटर ICNG 1199 cc का इंजन देखने को मिल जाता है। इसकी 72 bhp पावर है और 103 Nm टॉर्क है। CNG की गाड़ी है तो बिल्कुल पावर में बहुत ही डिफरेंस आने वाला है। तो कुछ इस तरह की आपको इंजन वगैरह इंप्रेशन मिल जाती है, मतलब 3 सिलेंडर ही मिलेंगे आपको इस गाड़ी के अंदर देखने को। कम है लेकिन फिर भी टाटा की गाड़ी काफ़ी अच्छी आजकल बिक रही है और अच्छी चल रही है। तो चलो अब देखते हैं इसका इंटीरियर। बाकी जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं है वो कर लो, और भी टाटा की कार्स की वीडियोस हमारे चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो चलो अंदर जाके देखते हैं। तो साइड में यहाँ पे स्पीकर मिल जाता है और स्पेस मिल जाती है सामने रखने के लिए। पावर विंडोज आगे की ओर दोनों को दोनों मिल जाते हैं। यहाँ पे ट्विटर और स्पीकर की स्पेस मिल जाती है, कुछ इस तरह की स्पेस मिल जाती है। अंदर बैठ के देख लेते हैं, सीट पीछे कर लेते हैं। तो आ चुके टाटा अल्ट्रोस बेस वेरिएंट के अंदर। भाई देखो बेस वेरिएंट के अंदर इतना सारा नहीं होगा लेकिन डिस्प्ले यहाँ पे कुछ इस तरह की मिल जाती है। ये भी टाटा का लोगो देखने को मिल जाता है, क्लस्टर डिजाइन देख सकते हो, मतलब डिजिटल के अंदर मिल जाती है ये भी। यहाँ पे भाई कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, बेस वेरिएंट है, बिल्कुल बेस है। और ये CNG वेरिएंट भी है तो इसके अंदर आपको माइलेज काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। यहाँ पे CNG का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, बाकी कुछ दिखाने के लिए नहीं है। मैनुअल की आती है इसकी और यहाँ पे आपको ACs मिल जाते हैं मैनुअली कंट्रोल करने के लिए, यहाँ से कुछ कंट्रोल कर सकते हो आप। तो आपको इसके अंदर एंटरटेनमेंट डलवाना होगा तो बाहर से या कंपनी से ही डलवा सकते हो। और यहाँ पे स्पेस मिल जाएगी सामान रखने के लिए। गियर शिफ्टिंग कुछ इस तरह की देखने को मिल जाती है, 5 स्पीड गियर है। यहाँ पे 12 वोल्ट का पॉट देखने को मिल जाता है, यहाँ पे सामान वगैरह रख सकते हो। बेस मॉडल काफ़ी बेस है भाई, लेकिन फिर भी यहाँ पे ग्लव बॉक्स वही प्रीमियम मिलता है। और स्पेस देखो ग्लव बॉक्स के अंदर, यहाँ पे भी आपको कप होल्डर वगैरह देखने को मिल जाते हैं, सामान बहुत ज़्यादा रख सकते हो। टाटा की हर गाड़ी में ग्लव बॉक्स बहुत बड़ा होता है। सीट्स वगैरह काफ़ी डिसेंट है, ऐसा नहीं कि बुरा बोल सकते हैं। जिनके बजट में ये वाली गाड़ी आती है वो बिल्कुल ले सकते हो। और अभी तो बाहर से सारे के सारे लोग मॉडिफाई करवाते हैं। यहाँ पे हेलोजन लाइट देखने को मिल जाती है, ये भी भाई बहुत ही सस्ती आती है बाहर मार्केट के अंदर। लेकिन यहाँ पे साइड में मिरर नहीं है भाई, तो इस तरफ तो देखना ही बेकार हो जाएगा। तो देख सकते हो कुछ इस तरह के ORM देखने को मिल जाते हैं। स्पेस तो काफ़ी डिसेंट है, पीछे जाके दिखाता हूँ कितने स्पेस मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे 2 कप होल्डर भी देखने को मिल जाते हैं। ग्रैब हैंडलर यहाँ पे फिक्स ही देखने को मिलेगा भाई। तो चलो पीछे जाके देख लेते हैं कितनी स्पेस वगैरह मिलेगी। बाकी हमारे चैनल पे न्यू टाटा सफारी की भी वीडियो आ चुकी है तो देख लेते हैं जिसने भी नहीं देखी हो। और पीछे जाके स्पेस वगैरह दिखा देता हूँ मैं आपको। चलो अब तो पीछे की ओर मैन्युअली आप विंडो को खोल सकते हो, स्पीकर यहाँ पे भी मिलेगा, स्पेस भी यहाँ पे मिलेगी बॉटल वगैरह रखने की। और कुछ इस तरह से सीट वगैरह देखने को मिल जाती है। तो बैठ चुकी है पीछे की ओर भी भाई। तो देखो गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे आपको इतनी ज़्यादा अच्छी वाली गाड़ी मिलती है वो भी इतने बजट के अंदर, सेफेस्ट गाड़ी है। यहाँ पे भी फिक्स ग्रैब हैंडल देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे दिखा दिया मैंने। मैन्युअली आपको विंडो को ओपन करना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे स्पीकर और स्पेस भी मिल जाती है, लेग स्पेस काफ़ी अच्छी है। सीट फिर भी मैंने थोड़ी आगे की है लेकिन
फिर भी स्पेस की कमी नहीं है, एडजस्टेबल हेडरेस भी नहीं देखने को मिलेगा, बूट स्पेस मैंने दिखा दी। सीएनजी होने के बावजूद आपको इसके अंदर बूट स्पेस मिल जाएगी क्योंकि यहाँ पे टाटा ने बिल्कुल इनोवेशन किया है आई सीएनजी के अंदर। पीछे से लुक इस तरह की देखने को मिल जाती है, डैशबोर्ड काफ़ी सिंपल लग रहा है पीछे से, लेकिन बेस मॉडल के अंदर इतना ही होगा भाई। तो स्पेस तो है भाई काफ़ी अच्छी खासी है, आप 5 लोग की फैमिली आसानी से बैठ कर और कम्फर्टेबली बैठ कर जा सकते हो। आप बिल्कुल यहाँ पे थोड़ा थाई सपोर्ट कम है पीछे की ओर, लेकिन फिर भी एक डिसेंट सी स्पेस मिल जाती है। बाकी गाड़ियों की बेस मॉडल से ज़्यादा अच्छा है टाटा की, एक अच्छी खासी हैचबैक गाड़ी का बेस वेरिएंट आप ले सकते हो। तो बूट स्पेस भी दिखा दी मैं आपको, इसके प्राइस अगर आप बता देता हूँ, सीएनजी वेरिएंट है तो माइलेज तो आपको काफ़ी मिलने वाली है भाई, जिसके अंदर आप बिल्कुल अपने फैमिली के साथ में और अकेले भी जहाँ भी जाना चाहते हो जा सकते हो भाई ये गाड़ी लेके, क्योंकि बिल्ड क्वालिटी भाई टाटा की ही होती है। तो कुछ इस तरह की है टाटा अल्ट्रोस एक्ससी आईसीएनजी। तो देख ली किस तरह की गाड़ी है, तो इसकी एक शोरूम प्राइस है 7,55,000 रुपये, क्योंकि ये सीएनजी कार है तो महंगी होगी, सीएनजी किट के साथ में आती है। तो कैसी लगी वो कमेंट में जरूर बता देना, और भी कार की रिव्यू हमारे चैनल में मिल जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।